दादा से निकल के आए, मैंने चयन किया साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे हैं। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए कि आपके बेटी बेटा बेटी खा सकते हैं। मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज ये यूपी भी हिंदुस्तान में मानवता चंदी है तो बता दीजिए इस उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को तब दबाते जा रहे हैं लोगों ने, कोई केवल दबाव बनाया जा रहा है भाइयों, देख लो पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया 24 खबर। फिरोजाबाद में पुलिस लाइन के सामने हाईवे पर भोजन की थाली हाथ में थामे एक सिपाही ने बुधवार को जमकर हंगामा किया। सिपाही मेस के खाने की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए फूट फूट कर रोया। उसने कहा कि वह 2 दिन से भूखा है लेकिन कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है। इसकी जानकारी प्रतिसार निरीक्षक को हुई तो तत्काल फोर्स भेजकर सिपाही को पुलिस लाइन लाया गया। एसएसपी ने मामले की जांच सीओ लाइन हीरालाल कन्नौजिया को सौंपी है। बुधवार की दोपहर जिला मुख्यालय के बाहर हाईवे पर एक सिपाही हाथ में भोजन की थाली लेकर पहुंचा। सिपाही हाईवे के डिवाइडर पर बैठकर थाली से रोटी उठाकर उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठाने लगा। लोगों को रोटी दिखाते हुए सिपाही ने कहा कि इस रोटी को जानवर भी नहीं खा सकते हैं, ऐसी रोटी हमें परोसी जा रही है, जब भरपेट खाना ही नहीं मिलेगा तो कैसे ड्यूटी होगी। इस दौरान वहां मौजूद किसी शख्स ने इसका वीडियो बना लिया। मैंने चयन किया साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे हैं। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए कि आपके बेटी बेटा बेटी खा सकते हैं। मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज ये यूपी भी हिंदुस्तान में मानवता चंदी है तो बता दीजिए इस उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को तब दबाते जा रहे हैं लोगों ने, कोई केवल दबाव बनाया जा रहा है भाइयों, देख लो आरक्षी पर। समझो उत्तर अधिकारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें रिकॉर्ड दिया जाएगा, कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन लिए होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे हैं। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए कि आपके बेटी बेटा बेटी खा सकते हैं। मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज ये यूपी भी हिंदुस्तान में मानवता चंदी है तो बता दीजिए इस उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को तब दबाते जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूं, या मेरे माँ बाप तोड़िए, इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही आ रही मौजूद द्वारा, कड़ना द्वारा, मैच मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे, थाली को तुझे करके जनता के बीच में चला गया। आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है महोदय के नहीं हो रही है। ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया, डीजीपी महोदय के पीएस होने पर से कहा फोन काट दो बंदा प्रकाश करा के घर भेज दूंगा, मैं डीजीपी का पीएस तो बोल रहा हूँ। एडीजी आ गया साहब को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ जब मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के बंदन निवेदन है, इस बच्चे आए दिन आप देख रहे हैं कि सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं, कोई सुनने वाला, दबाते जाते आए दिन आत्महत्या करना है सिपाही, मर जाते हैं, चले जाते, 2 घंटे का शोक धारण किया ये लोग, मस्त की भी जिंदगी काट रहे हैं, हमारी कोई जिंदगी की महत्वता नहीं है, अपनी पेट की बात किसी से कहने का अधिकार भी नहीं है। यही बुला लो साहब लोग। फिरोजाबाद पुलिस ने ट्वीट कर लिखा, मेस के खाने की गुणवत्ता से संबंधित शिकायती ट्वीट प्रकरण में खाने की गुणवत्ता संबंधी जांच सीओ सिटी कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि उक्त शिकायतकर्ता आरक्षी को आदतन अनुशासनहीनता, गैरहाजिरी व लापरवाही से संबंधित 15 दंड विगत वर्षों में दिए गए हैं। फिलहाल इस खबर में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।